इंटरनल हार्ड डिस्क खरीदते वक्त हम या तो वेस्टर्न डिजिटल का लेते हैं या फिर सीगेट का। मैं भी वही लेने गया था, एक 320 GB का हार्ड डिस्क, लेकिन वो अवेलेबल नहीं था। तो दुकानदार ने सजेस्ट किया कंसिस्टेंट का 500 GB हार्ड डिस्क लेने को, जिसका प्राइस सीगेट के 320 GB हार्ड डिस्क के ऑलमोस्ट बराबर था। यह है हार्ड डिस्क का बॉक्स और यह है कंसिस्टेंट का 500 GB इंटरनल हार्ड डिस्क। इसका प्राइस है 1300 प्लस टैक्स और आपको मिलता है एक साल की वारंटी। अब इस हार्ड डिस्क को चेक करते हैं। आपको टोटल 466 GB मिलता है। हार्ड डिस्क में मैंने दो पार्टीशन क्रिएट किया है। एक पार्टीशन में विंडोज 10 इंस्टॉल्ड है और दूसरे पार्टीशन में मेरे सारे स्टीम गेम्स। जैसे कि आप क्रिस्टल डिस्क इन्फो में देख सकते हैं, इस हार्ड डिस्क में कोई एरर्स नहीं है। अब बेंचमार्क्स देखते हैं। हार्ड डिस्क का रीड स्पीड है 90.88 MB/s और राइट स्पीड है 92.69 MB/s। अब इसको कंपेयर करते हैं सीगेट की 320 GB हार्ड डिस्क से। जैसे कि आप देख सकते हैं, सीगेट का रीड और राइट स्पीड दोनों कम है कंसिस्टेंट से। यह हार्ड डिस्क मैं 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे कोई डेटा लॉस नहीं हुआ। सेंसरो 3 का जो गेम प्ले देख रहे हैं वो भी इस हार्ड डिस्क में इंस्टॉल्ड है। अगर आपका बजट कम है और आपको सिर्फ एक साल की वारंटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यह हार्ड डिस्क आप विदाउट एंड डाउट खरीद सकते हैं। मेरा सिर्फ एक ही एडवाइस है कि आप यह किसी दुकान से खरीदें, ना ही कि ऑनलाइन स्टोर से, क्योंकि फ्लिपकार्ट में यह हार्ड डिस्क नॉन रिटर्नेबल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।